नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सभी सैनिकों और रिटायर सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिलिट्री सर्विस पे होगी 10,500, यानी कि दोस्तों इसमें डबल बढ़ोतरी होगी। इसी को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी बड़ी खबर को। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो घंटी का बटन है उसे भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसी वीडियो में हम आपको अंत में बताएंगे कि सरकार की तरफ से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर कब तक आदेश जारी किए जाएंगे और ये कब से लागू होगी। दोस्तों, इक्वल एमएसपी को लेकर सेना में लगातार मांग उठती रही है और उसी को लेकर एक लेटेस्ट खबर आपके लिए लेके आए हैं। मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के लिए जेएसयू एंड ओआरएस के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे अब वे सफल हो गए हैं। दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे में विसंगति को लेकर सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने अपनी सिफारिश सरकार को सौंप दी है और जेएसयू और ओआरएस की मिलिट्री सर्विस पे को दुगुना करने की सिफारिश की है। दोस्तों, इसका फायदा हमारे रिटायर और सर्विंग सैनिकों को मिलेगा। दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे तीनों सेनाओं को दिया जाने वाला एक विशेष भत्ता है जो 6th पे कमीशन व 7th पे कमीशन के द्वारा सिफारिशों के बाद दिया गया था, और यह भत्ता इसीलिए विशेष है क्योंकि यह भत्ता बेसिक पे के साथ जुड़ जाता है जिससे बेसिक पे में वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, अब जो मिलिट्री सर्विस पे मिलती हैं वो इस प्रकार हैं। नॉन कॉम्बैट को एयरफोर्स में 3600 रुपये मिलती हैं, वहीं जेसीओआरएस को 5200 रुपये और नर्सिंग ऑफिसर्स को 10,800 रुपये, वहीं सर्विस ऑफिसर्स को 15,500 रुपये। दोस्तों, इस तरह के हो रहे भेदभाव को लेकर लगातार सेना में मांग उठती रही है इक्वल एमएसपी को लेकर, और इसके बाद में एक कमेटी का गठन किया गया था और अभी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और उसमें मिलिट्री सर्विस पे को दुगुनी करने की सिफारिश की गई है, यानी कि 10,500 रुपये जेएसयू ओआरएस की एमएसपी को करने की सिफारिश की गई है। दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है हमारे जेएसयू ओआरएस के लिए। और दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे बढ़ाने के आदेश को लेकर सैन्य सूत्रों के मुताबिक कमेटी की सिफारिशें मिल चुकी हैं जिसे सैन्य प्रमुखों की ओर से भी मान लिया गया है। इसकी औपचारिक घोषणा जनवरी 2020 में की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, फरवरी 2020 में सरकार अपना बजट भी पेश करने वाली है, ऐसे में जेएसयू ओआरएस को उस समय एमएसपी को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। तो ये थी एक लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।